अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने बिट्टू मोई की राम राम। और आज हम आए हैं गोहाने में, और जब भी गोहाने का नाम आया तो मुंह में सबसे पहले जलेबी का स्वाद आया है। आज हम दिखाओगे गोहाने की प्योर देसी मत घी की माथुराम की जलेबी। और इस दुकान की पहचान लल्ला माथुराम की, वैसे तो गोहाने बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन ये अग्रवाल मिष्ठान भंडार इस पर अलग से लगा लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि लल्ला माथुराम की। आइए इनकी खासियत जानते हैं, और क्या इन जलेबियों में अलग और खास है आपको बताते हैं। आइए भाई, ये भी दिखा दी जलेबी। तो ये देखे लल्ला माथुराम जी की जलेबियाँ, कितनी बड़ी बड़ी जलेबियाँ हैं, प्योर देसी घी की बनाई जाती है ये। आज सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। आज ही हमारे लल्ला माथुराम हलवाई की जलेबी। सर एक तो पहली बात तो यही हमारे मन में, जो एक अपनी ये इतनी फेमस जलेबियाँ हैं गोहाने में, जब आते हैं बहुत सारी दुकानों पर लिखा होता है लल्ला माथुराम लल्ला माथुराम, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये ओरिजिनल की पहचान करने में होती है कि असली लल्ला माथुराम की दुकान कौन सी है। हाँ, माथुराम जी मेरे फादर थे। अच्छा जी, ये असली दुकान पर हो, हमारी एक मंडी में भी दुकान है असली। अच्छा। इधर मेरा भतीजा भी बैठता है, आप असली पे खड़े हो बाकी। अच्छा जी, अपनी ये जो इतनी बढ़िया जलेबी बनाते हैं इतनी बड़ी, ये कब से हमने बनाना स्टार्ट किया ऐसी जलेबी? ये मेरे पिताजी ने किया था 1957 से, पुरानी अनाज मंडी से। 1957 से पुरानी अनाज मंडी में खोखा था। अच्छा जी, उसमें से आपकी एक दुकान पुरानी अनाज मंडी में भी है? हाँ, पुरानी अनाज मंडी से बाहर है। लेकिन जलेबियाँ तो छोटी छोटी होती है, करारी होती है, इन मैशी का एक खूबिया जो है इतनी बड़ी जलेबियाँ बनाई गई है। जलेबियाँ भी बहुत करारी है, मैं आपको खिलाता हूँ, जलेबी बहुत करारी है। और ये मेरे पिताजी ने अपना ट्रेड दिया था पब्लिक को, एक पब्लिक को ना स्वाद और नई मिठाई पेश की। अपनी जलेबियाँ प्योर शुद्ध देसी घी में ही बनती है? हाँ जी, प्योर शुद्ध देसी घी बनती है। अपनी जलेबियाँ कहाँ कहाँ जाती है जी? ये लोग जो बाहर से आते हैं वो ले जाते हैं। मतलब हमने ये भी सुना था कि अपनी जलेबियाँ दूसरे देश में भी जाती है? हाँ, जो यहाँ के लोग दूसरे देश में रह रहे हैं वो ले जाते हैं, उस ले जाते हैं। अच्छा, भी लेके भी जाते हैं यहाँ से। हाँ। अगर देखा जाए तो जो ये और दुकानें हैं, आप कह रहे हो कि एक दुकान तो अपनी मंडी में, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी तो बहुत सारी दुकान है। लल्ला माथुराम, लल्ला माथुराम तो हमारी पर मिलेगा, कुछ लोगों ने नाम मिलते जुलते लगा रखे। अच्छा जी, उसलिए कस्टमर कुछ धोखा खा जाता है, फिर पूछ लेता कई बार कस्टमर। अपने कितनी जलेबी आती है किलो में जी? एक किलो में 4 का पैकेट है। एक किलो 4 का पैकेट, यानी पहिया की एक जलेबी है जी, यानी आदमी के लिए एक ही काफ़ी है? एक ही काफ़ी है। ठीक है, बस भाई आप कहाँ से आए हो भाई जी? भाई साहब मैं भिवानी से आया हूँ। आप भिवानी से आए हो स्पेशल लल्ला माथुराम की जलेबी खाने के लिए? नहीं भैया, मैं करनाल से आ रहा था, रास्ते में इनकी जलेबी प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। क्या खूबी लगी, क्या टेस्ट आया आपको इनकी जलेबी? टेस्ट तो खावांगे जब पेगा पटेगा भी। अच्छा, मतलब प्रसिद्ध है, नाम सुना इसलिए? नाम सुना, बिल्कुल बिल्कुल। शुद्ध देसी घी की जलेबी है, पहले आपने कभी खाई है? हाँ खाई है, अच्छी जलेबी है। बार और भी खड़े वाले से, क्या खूबी लगी यहाँ की जलेबियों में? अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल टेस्ट की है, बिल्कुल है। हम तो बहुत सालों से जी। कितने टाइम से खा रहे हो आप? बहुत साल हो, 20 साल। मज़ा आ रहा है खाना? कोई खास बात जो लगो इसमें? क्वालिटी है इनके पास अच्छी है, मतलब क्वालिटी है यहाँ पे जलेबियों में शुद्ध देसी घी। मेरी मेरी पोस्टिंग है वहाँ कुरुक्षेत्र से आगे शाहबाद मार्ग। अच्छा, अब वहाँ के लिए लेके जा रहा हूँ। आप मतलब आपके जो साथी हैं उन्होंने मंगाई अपने लिए? ठीक है जी, धन्यवाद। इसके अलावा आप किन किन चीज़ों में मिठाई बनाते हैं जी? गुलाब जामुन होता है देसी घी का। अच्छा, लड्डू होता है देसी घी का, दूध की बर्फी होती है, बस जो भी कुछ होता है अपने देसी घी में ही होता है, जो कुछ होता है देसी घी का। समोसे भी बनाते हो आप जी? समोसे भी बनते हैं, पनीर के, मटर पनीर का देसी घी, मोहन का समोसा होता है वो भी देसी घी में तैयार किया। हाँ, उसके अंदर से मोहन होता है देसी घी का, कलाई नहीं होती देसी घी, बाकी मोहन कलर देसी घी होता है। तो जो अपने यहाँ के समोसे होते हैं जी, आप उनकी अपनी खूबी बताइए सर जी। वो मटर पनीर का समोसा होता है, उसमें आलू नहीं होता। अच्छा। उसके अंदर देसी घी का मोहन होता है। अच्छा, और बढ़िया बनता है वो, असली पनीर होता है उसमें। मतलब कि आलू की जगह पनीर होता है? हाँ, आलू की जगह पनीर होता है, मटर पनीर होता है उसके अंदर, मटर पनीर। यानी जो अपना यहाँ का समोसा होता है उसकी खासियत ये है कि उसमें आलू की जगह मटर और पनीर का बना हुआ होता है, और देसी घी में बनता है वो भी, वो देसी घी का मोहन होता है उसके अंदर, उसके अंदर देसी घी का मोहन होता है। Yes।
तो ये दिखवाने की प्रसिद्ध जलेबियाँ लाला माथुराम हलवाई की आपने यहाँ से हमने कस्टमरों का रिव्यू करवा। अगर आपको किसी भी टाइम गोवाने में आए तो एक बार इसका टेस्ट जरूर चख के जाना, जो न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत और विश्व में भी प्रसिद्ध हो चुकी है, अब बाहर भी जाने लगी है। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताना, और आप तब भी गोवाने आए ना तो असली दुकान पर ही पहुँचना है। ये दो दुकानें गोवाने में है, एक तो गुआरा पे है जिसके नीचे लिखा भी हुआ लाला माथुराम हलवाई की, और नीचे अलग से लिखा हुआ असली के लिए अग्रवाल मिष्ठान भंडार, और एक दुकान पुरानी अनाज मंडी के पास भी है जो कि ओरिजिनल लाला हलवाई माथुराम की दुकान है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे मैं कमेंट करके बताना। अगर आपने जलेबियाँ यहाँ की खाई है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना, और आप तब भी गोवाने में आए तो एक बार जरूर खा के जाना।